मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमिता मलिक व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग मेरा गेटअप देख के समझ ही गए होंगे कि हाँ, आज इंडिपेंडेंट डे के लिए मैंने सोचा कि सेलिब्रेट करते हैं। और मैं बहुत खुश किस लिए हूँ मैं बताऊँगी आप लोगों को, बने रहे मेरे साथ। और बहुत सारे आज मैं राज बताने वाली हूँ, बहुत सारी आप लोगों को सीक्रेट्स बताने वाली हूँ मैं आज के ब्लॉग में, जो मेरी खुशी के पीछे हैं आप लोग भी देख के समझ जाओगे। और फिर देखो, ये मैं दिखाती हूँ आपको अपना लुक। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ग्रीन और ये ग्रीन, वाइट और ऑरेंज सब कलर्स पहने हैं, और मैंने बिंदी भी उसी तरह की लगाई है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सूट मेरा, मैंने नया नहीं सिलवाया, वाइट ये मेरा रखा था और ये मुझे आ गया है। ये मेरा पहना नहीं गया था, मैं मोटी हो गई थी उसके पीछे। और मैं आप लोगों को सीक्रेट्स बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने अपना वेट कम करा। आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे आ गया अपना पुराना। फ्रेंड्स, आप सबको इंडिपेंडेंट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबके लिए बहुत खुशियां लाए इंडिपेंडेंट डे। हमारा एक बहुत अच्छा फेस्टिवल मैं इसको मानती हूँ, और अच्छे से हम सब लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलो, अब मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। ये देखो, मेरे मिनी फॉरेस्ट में दिखाती हूँ भाई, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। देखो, कड़ी पत्ता मैंने लगा हुआ था, उसके कितने सारे पेड़ उगे हुए हैं, कितने सारे स्मॉल 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 स्मॉल। भाई किसी को चाहिए तो बेशक लेके जा सकते हैं, कड़ी पत्ते के पेड़ बहुत, मतलब अनगिनत, पता नहीं 500-600 कितने पेड़ उगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ उगे हुए हैं। और ये देखो, मैं इसकी फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैं उनका क्या क्या यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखो, मेरी पालक है, बेल वाली पालक है ये मेरे पास, और ये कहाँ तक पहुँच गई है देखो, बहुत अच्छी लग रही है भाई, ये पालक काफ़ी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं कितना सारा भाई ग्रीन ग्रीन भर के ले आई हूँ, इन सब का मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ अभी। ये देखो, मेरी ये तीनों बॉटल मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि इनमें इनके साथ क्या गड़बड़ हो गई थी। ये तीन मैंने कांच की बॉटल मंगवाई हैं ट्रांसपेरेंट, और ये आ गई हैं। और आज मैं इनके यूजेस दिखाती हूँ आपको मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो चलो, अब स्टार्ट करते हैं, मेरी आप लोगों को सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ अभी मैं। फ्रेंड्स, जैसे हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग कलर्स के, तो हमारे फेस पे अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं, अलग अलग तरह का एक अलग से निखार आता है। उसी तरह से जब हमारी बॉडी अलग अलग कलर्स के लिए रिएक्ट करती है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जो रिएक्ट करती है कि हम कैसे खाते हैं। जैसे कलर्स पहनने से हमारा मूड खुश हो जाता है, इसी तरह से अलग अलग कलर्स लेने से हमारा स्टमक हैप्पी हो जाता है और हमारी स्किन भी हेल्दी हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है, जब मैंने जो चेंजेस किए हैं, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, उससे मेरे फेस में बहुत फ़र्क लगा है, मुझे काफ़ी फ़र्क है। इन चीज़ वेट तो मेरी मशीन का सेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वेट करती थी उस पर, तो अभी उसका मशीन का सेल ख़त्म है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मुझे अपने इंचज़ में फ़र्क लगा है, जो मुझे ये सूट नहीं आ रहा था वो आज आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को कलर्स जैसे हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमारी हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कलर्स। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे अलग अलग कलर्स का हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले लिया है मैंने कड़ी पत्ता, और ये मरवा पबरी, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप लोगों के आसपास लगा होता है, तुलसी की ही फैमिली से होता है ये, और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, मरवा या पबरी भी कहते हैं कई लोग इसे। और जो ये कड़ी पत्ता है, ये हमारी स्किन और हेयर्स के लिए, और इसमें आयरन और काफ़ी चीज़ें रिच होती हैं, जो बहुत, अब सबसे मेन आता है कि हम इसको कंज्यूम कैसे करें, मैं इसको कैसे कंज्यूम करती हूँ, कैसे मैं इसको लेती हूँ अपनी लाइफ का, मैंने इसको हिस्सा बना रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आप इजीली आप लोग भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनको वॉश कर ले, अच्छे से वॉश कर लें। और उसके बाद मैंने ली है फ्रेंड्स दही, दही या लस्सी भी ले सकते हैं आप, जो बिलोनी वाली लस्सी होती है वो भी ले सकते हैं, दही जो भी आप रख, मेरे पास लस्सी नहीं थी तो मैं दही ले रही हूँ। तो चलो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने देखो एक कटोरी भर के लिया है, कुछ 4-5 पत्ते नहीं लिए, काफ़ी अमाउंट में मैंने ये लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो बॉटल है, ये मेरे को, जैसे हम वर्क प्लेस पर कहीं भी अपना जाते हैं, तो वहाँ हम इनमें अलग अलग कलर्स का डाल रहे थे, और जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम इनमें सुंदर सुंदर दिखेगा तो हमारा पीने का मन भी करेगा, इसलिए जब
तो प्रेजेंटेबल तरीके से कोई भी अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो अगर उसको प्रेजेंटेबल तरीके से लेते हैं तो आपको कोई इश्यूज नहीं होते। जब हम ऐसे ही उसको बस हाँ कि नहीं ये तो हमारे लिए टॉर्चर है तब वो टॉर्चर होता है, अदरवाइज बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। तो देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इनको लेकर जाती हूँ अपने साथ। तो फ्रेंड्स देखो मेरी एक ड्रिंक तैयार हो गई है, और ये फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ट्राई करना और देखने में कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब सेकंड तैयार करते हैं हम अपने लिए। तो फ्रेंड्स जो सेकंड हमारी ड्रिंक है उसके लिए हम लेंगे, वो आयरन में काफ़ी रिच होती है और विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन सी ही हमारी स्किन को हेल्प करता है ग्लोइंग बनाने में। तो सी विटामिन सी के लिए मैंने लिया है इसमें करौंदा। ये काफ़ी खट्टा और इसमें आयरन भी होता है, और इसके साथ इसको कलरफुल और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए ले लेती हूँ मैं अनार, ठीक है। और साथ में ये करौंदे के कुछ पीसीज मैंने काट लिए क्योंकि इसमें छोटी सी बीच में गुठली होती है, वो उसकी जगह करौंदे की जगह आप मौसमी भी ले सकते हैं। मैं चेंज करती रहती हूँ कभी मौसमी कभी करौंदा, क्योंकि दोनों में विटामिन सी होता है और आयरन, इसमें आयरन होता है उसमें सिर्फ विटामिन सी होता है। तो चलो अब इसको इसका बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कितना कलरफुल और कितना प्यारा ड्रिंक बनता है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। फ्रेंड्स ये मैंने अपनी वाइट ड्रेस कवर करने के लिए, क्योंकि भाई अनार का अगर एक भी छींटा लग गया तो मेरा पूरा वाइट सूट खराब हो जाएगा। और देखो इसे आप छान के भी ले सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि इसमें अनार के बीच है आप जैसे चाहें इसको ले सकते हैं। कितना प्यारा कलर आया है, कितना सुंदर कलर है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसका। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरी सेकंड बॉटल भी मेरे लिए तैयार हो गई है। ये ड्रिंक्स मैं पूरा दिन कंज्यूम करती हूँ अभी। और फ्रेंड्स इसके बाद आती है ये घिया की बारी। ये फ्रेंड्स अभी मैं काफ़ी दिनों से वन डे स्किप करके या टू डे स्किप करके या डेली भी मैं ले लेती हूँ ये घिया का जूस है। और इनमें से जो मैंने और ड्रिंक्स बनाई हैं ये भी मेरे मूड के ऊपर है या टाइम के ऊपर है, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं बना करके ले लेती हूँ। ये सब स्किन और हेयर्स के लिए हैं, आयरन इम्प्रूव, और ये मेरे वेट लूज करने में मुझे हेल्प करती है। तो इसका भी बहुत प्यारा जूस और बहुत अच्छा बनता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैं बनाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स जो भी घिया लें आप लोग, मेरी तो ये अपने फार्म की है, ऑर्गेनिक है, तो मैं इसको पील नहीं कर रही हूँ, छिलका नहीं उतार रही हूँ, बस थोड़ा सा टेस्ट जरूर करें कि घिया कड़वी ना हो, कड़वी घिया हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये घिया ठीक है तो हम इसका जूस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो घिया का जूस मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और भाई इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें कुछ पीसेस रह जाते हैं, क्योंकि अगर भाई मिक्स जूसर निकालूंगी तो वो धोने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं मिक्सी के इसी जार में इसको पीस के बना लेती हूँ। और छानने के बाद कुछ टुकड़े रह जाते हैं उनको छोड़ दें, और ये हमारा जूस तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू और नमक। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरा घिया का जूस भी तैयार हो गया है। घिया के जूस को साथ ही पी लेती हूँ, भाई इसे रखना नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक, तो इसे मैं पी लेती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है और मुझे तो कोई टेस्ट में इशू नहीं लगता है, घिया को बस टेस्ट करके बनाए उसमें नींबू और नमक डाल लें उससे और भी अच्छी लगती है, थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। देखो भाई मैंने अपनी दोनों बॉटल्स ख़त्म कर दी हैं, और ये मेरा जूस था वो भी मैं ख़त्म कर चुकी थी, वो तो मैंने तभी पी लिया था, और थोड़ी थोड़ी देर के आधा आधा घंटे के गैप पे मैंने दोनों बॉटल्स अपनी ख़त्म कर दी हैं। तो आज देखते हैं भाई मेरी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है फ्रेंड्स, हेल्थ वाइज मतलब एनर्जी, जैसे मैं कितने सारे बहुत सारे काम मैनेज करती रहती हूँ तो कैसे मैनेज होते हैं वो, भाई मैं अपनी एनर्जी लेवल हमें बनाए रखना पड़ता है इसी तरह से। अब चलो ये बर्तन वगैरह मैं धो देती हूँ, अपनी बॉटल साथ के साथ, अदरवाइज इनमें जम जाएगा, तो इनको साथ के साथ अभी धो के मैं जचा दूँगी अपनी। तो फ्रेंड्स देखो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं भाई, जितने भी मैंने सारे यूज़ किए थे। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में भाई लंच करने, भूख लगी भी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने खाना छोड़ा है, सिर्फ मैंने ये चीज़ें ऐड ऑन करी हैं अपनी डाइट में, अब मैं खाना खाऊंगी प्रॉपर। सुबह मैंने नाश्ता किया था, देखो सुबह मैं एक चीज़ के बिना नहीं रह सकती नाश्ता किए बिना, कि मैंने एक रोटी और एक अपना मैंने लड्डू खा लिया था, उसके बाद मुझे दवाई लेनी होती है, उसके बाद मैं दिन में ये चीज़ें कंज्यूम करती हूँ, अदरवाइज मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, अभी स्टार्टिंग है। देखो फ्यूचर में अगर ठीक हो जाते हैं तो अब मैं प्रॉपर लंच करूँगी, बच्चे भी वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से अब मैं अपना लंच डालती हूँ। तो फ्रेंड्स आज आज़ादी महोत्सव पर मेरे बच्चे भी घिया से आज़ादी मना रहे हैं, आज उनकी फेवरेट बने हैं आलू, जीरा आलू, उन दोनों को बहुत पसंद है,
मतलब सब चीज़ों से, बस वैसे आलू सब्जी की सब्जी नहीं खाते, बस उनको जीरा आलू पसंद है सिर्फ, कुछ नहीं जीरे वाले जो नवरात्रों में खाते हैं उनको वो वाले बहुत पसंद हैं। तो आज बेचारे दो दिन से, बेचारे नहीं उनको भी पसंद है घिया, हम लोग अभी कोई वेजिटेबल है भी नहीं है सच, और हमारे फार्म पे जा अभी घिया ही लग रही है, तो हम लोग घिया ही कंज्यूम करते हैं, जो हमारे फार्म पे लगता है मैं वही खा कोशिश करती हूँ कि वही हम लोग खाएं, ताकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हेल्दी हेल्दी तो खा पाएं। तो आज उनको आलू मिले हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ठीक है जीरा आलू तो फिर भी मैं भी चलो थोड़े बहुत खा लेती हूँ, अदरवाइज वैसे आलू की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। आज हमने एक और मिशन छेड़ रखा है भाई, हाथ से सेवियां तोड़ने का, हम दोनों सीख रहे हैं मैं और आराध्या, हमारा चैलेंज लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा तोड़ेगा आज और कौन फास्ट तोड़ेगा, तो देखते हैं। मेरे को भी नहीं आती थी, इसको भी इसको बल्कि थोड़ी थोड़ी आती थी, अपनी दादी से सीखती रहती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती हैं, तो हम लगे हैं आज इस चैलेंज में, देखते हैं अब शाम तक कितना कंप्लीट कर पाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। फटाफट से अब हम काम पे लग जाएंगे खाना खाते ही, है ना आराध्या? आराध्या की आएंगे, देखो भाई आराध्या ने तोड़ी नहीं है, आ गई आराध्या भी। तो फ्रेंड्स अब मैं रात हो गई, भी डिनर वगैरह कर लिया है, मैं बच्चों को सुला रही हूँ, फिर मेरे अभी कुछ काम बचे हुए हैं वो मैं करूँगी, और जब तक इनको फटाफट से थोड़ी देर थप्पड़ के इनको कहानियाँ वानियाँ सुना के इनसे इनकी बातें सुन के इनको सुला देती हूँ, कभी कभी ये खुद सो जाते हैं, आज चलो छुट्टी है तो इनको सुला देती हूँ मैं। मैंने अब बच्चों को सुला दिया है भाई, 9 बजने में अभी रहते हैं 10 मिनट और उनको सोए हो चुका है टाइम, क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी उठते हैं, तो भाई मैं सोचती हूँ कि जल्दी से उनको सुला दूँ और टाइमली, फिर बच्चे दिन में वो सोते नहीं हैं तो परेशान ना हो। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज हमारे चैलेंज का क्या रहा, जो मेरा और आराध्या का था और मैंने कुछ नया सीखा है। ये देखो भाई आज ये सेवियाँ तोड़ी हैं हमने, बहुत ज़्यादा तो नहीं टूट पाई लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी सारी हो गई हैं। अभी जिसको सेवियाँ तोड़नी सीखनी है वो मुझे ये कमेंट करके बताना। मैंने सेवियाँ इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि बाहर जो आती हैं वो मैदा की आती हैं, और ये हमने घर पे ऑर्गेनिक, हमारे जो हमने गेहूँ लगाए थे उससे हम लोगों ने ट्राई किया, मैंने फर्स्ट टाइम सेवियाँ तोड़नी, मतलब इनको जोए कहते हैं, और ये नमकीन भी जैसे मैगी की जगह बच्चे यही खाते हैं, और मीठा मीठी भी, मतलब प्लेन बना के आप मीठी भी खा सकते हो और उनको नमकीन में भी खा सकते हो, नमकीन बना के जैसे भी आप लोगों को पसंद है। बाहर वाली मैं नहीं लाती हूँ कभी भी क्योंकि वो मैदा की होती हैं, तो इसने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करी है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सिखा दूँगी, बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को सीखनी है तो। फ्रेंड्स इन ड्रिंक से जो ये मैं जूसेस पीती हूँ, स्मूदीज कह सकते हो इनको, स्मूदीज ही एक तरह से वो मैं पीती हूँ, उससे मुझे काफ़ी अपनी एनर्जी में फ़र्क लग रहा है, फेस पे भी मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, हेल्थ में, मतलब वेट मैंने नहीं वो बताया था मैंने आप लोगों को, तो जल्दी मैं वेट करूँगी और बहुत सारी और चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं, आज जो मैंने आप लोगों से अपनी हेल्थ सीक्रेट्स शेयर किए हैं, अगर आप लोगों को अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी और बहुत सारे हेल्थ टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश रहिए।